हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं लेके आया हूँ मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम और बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए आ रहे थे कि ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है फोन। मैं SMS कर रहा हूँ, SMS आया, एकदम रिस्टार्ट हो गया फोन। मैं कुछ गेम खेल रहा था, रिस्टार्ट हो गया फोन। मैंने मोबाइल को बात करके कॉल करके यहाँ पर रखा, रिस्टार्ट हो गया फोन। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप एंड्रॉयड या iOS किसी से भी आप जूझ रहे हैं, सैमसंग M30S है आपके पास या कोई भी सैमसंग का फोन है या एनी एंड्रॉयड फोन है, हर एक पे एप्लीकेबल है, तो आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। सर्च करके आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या होता है कि रीस्टार्ट का जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कॉज ये है कि आप ओवरहीटिंग, चाहे एंड्रॉयड फोन हो, एंड्रॉयड फोन में ज्यादा होता है ये, चाहे iOS फोन हो, हमारे फोन में एक प्रोग्रामिंग की जाती है कि जब यूसेज के हिसाब से हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से ओवरहीट जब हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा आपने इंटेंसिवली उसको यूज कर दिया। इंटेंसिव यूज कहां पर होता है? गेमिंग में, या पर आप, या फिर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा और उसमें आप वहां पर ट्राई कर रहे हैं अपने नेट को यूज करने का, ठीक है, या आप ऐसी जगह पर कॉलिंग कर रहे हैं यहां पर टावर नहीं है और आप लगे हुए हैं फोन पे, तो ये सब कारण ओवरहीटिंग करते हैं। और हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्रामिंग होती है कि अगर ओवरहीट इस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचती है तो वो रीस्टार्ट कर देता है फोन को ताकि आपका प्रोसेसर बच सके। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो अगर इन कारणों से आपका ओवरहीट हो रहा है तो कंट्रोल करें। जब आपको फील होता है आपका फोन थोड़ा गर्म हो रहा है तो थोड़ा उसको रेस्ट दें, तो ये चीज आप करने लग जाएंगे। बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल आपको टिप बताई है मैंने, ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो ओवर ऑटो रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। दूसरा कारण कॉमन, जो काफी लोग का ये काफी कॉमन है, जो काफी रैंडमली एप्स को डाउनलोड करते हैं नई नई, और वो एप्स, ये ध्यान रखें, वो एप्स जो आपकी साउंड को कंट्रोल करती हैं, आपको परमिशन लेती है कि मैं GPS यूज करूं, आपकी लोकेशन यूज करूं, ये आजकल काफी एप्स करती हैं कि आपका, आप फिर आप यस कर देते हैं फटाफट कि हाँ मेरा GPS भी देख लीजिए, मेरा साउंड भी यूज कर लीजिए, जो जो भी अगर वो कैमरा वाली ऐप है तो मेरा कैमरा भी, तो खासकर साउंड वाली जो साउंड को मतलब करेंगी। एनीवे, जो भी रैंडम ऐप अपने बहुत ज्यादा अगर आप करते हैं तो कई बार ऐसी बैड एप्स आ जाती हैं आपके फोन में जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। वो होने से क्या होता है कि आपका प्रोसेसर चलता रहता है और फिर प्रोसेसर को एक जगह पर टाइम चाहिए, फिर उस वजह से भी ऑटो रिस्टार्ट के प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आप अनट्रस्टेड ऐप जिनका बिल्कुल नहीं है तो वो, अगर आपने कोई इंस्टॉल कर रखी है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, कोई गेम ऐसी कर रखी है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। और एक टिप लें कि ऐसी कोई भी ऐप, आप जब आप डाउनलोड करने लगते हैं चाहे प्ले स्टोर से या एप्पल के एप्पल ऐप स्टोर से आईफोन में, तो रिव्यूज जरूर पढ़ें। रिव्यूज पढ़े बिना रैंडमली भाई ये नई ऐप आई है इसको डाउनलोड करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, वो मत किया कीजिए। उन्हीं में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जो ट्रस्टेड ऐप है, जैसे काफी लोग, जैसे आजकल ये अमंग अस गेम बहुत चल रही है, तो जब काफी लोग उसको कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ठीक अच्छी ऐप होगी, तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कई नई वीडियो ऐप्स बहुत लॉन्च हो गई हैं, छोटे छोटे वीडियोस वाली, तो उसमें कई हैं मैंने देखा, तो जो ट्रस्टेड ऐप है टिकटॉक काफी बड़ा थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद कई आएंगी। तो ऐसे आपको ट्रस्टेड ऐप जो काफी लोग डाउनलोड कर चुके हैं और उसका डाउनलोड्स बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें रेटिंग वगैरह देख के आप, जैसे प्रोडक्ट को आप अच्छे से देखते हैं उसी तरह ऐप्स को भी छान के एकदम ध्यान से डाउनलोड करें, फिर आप ये ऑटो रिस्टार्ट के प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ठीक है। तीसरा कारण आपको ये बता रहे हैं कि कवर्स के अंदर होता है हमारे, ये कवर देख रहे हैं फोन का, हर कोई लगाता है आजकल कवर। कवर्स में कई बार क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा फ्लैप दिया होता है, मतलब कई ज्यादा दिखाते हैं कि यहां से भी कवर कर दिया जाए पावर, तो ऐसे कवर्स से बचे। अब ये देखिए, मैंने पूरा सोच समझ के कवर लिया हुआ आईफोन का, यहां से जो पावर स्विच है वो कवर नहीं है। तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स के ये है स्वाइजन, मैं इसी के कवर्स लेता हूँ और लिंक मैं दे दूंगा, आप अगर आईफोन का लेना है तो ले सकते हैं। तो ये जो ब्रांड है स्वाइजन, ये अमेजोन पे अवेलेबल है,
मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस, थोड़े से महंगे मिलेंगे कवर, बट वो इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो जो कवर कर देता है, जो कवर इसको कवर कर देगा आपके मेन पावर स्विच को, तो कई बार इधर इसमें ब्लॉकेज या कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग मतलब गड़बड़ कर देता है, उसकी वजह से ही अपने आप बंद दब के या प्रेस होके या इसका मैकेनिज्म खराब होके ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कवर्स तीसरा कॉमन कारण है ऐसी प्रॉब्लम का। तो आप भी अपना कवर चेक करें, अभी आपका पावर स्विच को तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा, कवर किए हुए तो नहीं है। और पांचवा कारण इसके साथ साथ ही यही है कि कई बार यहाँ पर मिट्टी पानी ऐसी चीजें फंसने की वजह से भी इसका जो प्रेसिंग मैकेनिज्म है वो खत्म या खराब हो जाता है या कहीं अड़ जाता है, तो ये आप जरूर चेक करें। मेन कारण इसका कवर से होता है, कवर, डस्ट और पानी, इन चीजों से अगर यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज, कुछ गड़बड़ स्प्रिंग मैकेनिज्म में आ गई है, तो वो आप कवर हटा दें। अगर ऐसा है तो नया कवर लें स्वाइजन का, हर एक फोन का ये बनाते हैं। और नंबर दो, अगर यहाँ कुछ मिट्टी विट्टी फंसी है तो सॉफ्ट जैसे होता है ना ड्राइंग ब्रश या उस तरह से उसको अच्छे से साफ कर दें, ठीक है? तो इसको इससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये इसके बाद वाला जो है वो उसके चांसेस कम है होने के, बट आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, सेटिंग में जाके एप्लीकेशंस में जाके आपने देखना है कि सिस्टम की एप्स तो डिसेबल नहीं हो गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अननोइंगली वो एप्स को डिसेबल कर देते हैं, तो वो अगर सिस्टम की एप्स डिसेबल्ड हैं वो आपको डिसेबल नहीं करनी है। तो वो कई बार डिसेबल होने की वजह से अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता फोन और वो स्विच ऑफ रीस्टार्ट होता रहता है। तो जो सिस्टम की एप्स हैं वो डिसेबल या ऑफ नहीं होनी चाहिए, वो आप जाके देख सकते हैं सेटिंग्स में जाके। अगर इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि किस तरह से करना है, वो मैं सिर्फ आपको टिप्स बता रहा हूँ, सेटिंग में जाके सब अवेलेबल है। कोई टिप आपको समझ नहीं आ रही है तो अभी आप लिखें कमेंट में, तो मुझे पता लगेगा कि आप चाहते हैं कि उस पे वीडियो बन जाए, तो मैं फिर स्पेसिफिकली फोन लेके आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो सिस्टम ऐप्स का हो गया, ये कॉमन कारण नहीं है पर ये हो सकता है, ये भी एक एक सोल्यूशन है। अब एक लास्ट एक और है जिसमें आपकी जो बैटरी है, बैटरी कंपार्टमेंट आजकल तो फिक्स आता है, फिक्स फोन में भी ये प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि अगर आपका फोन कई बार नीचे गिरा है, हो सकता है वो नहीं टूटा, आप भी कहते हैं हाँ मेरा फोन नहीं टूटा, शीशा नहीं टूटा, सब इंटैक्ट है, बढ़िया। तो कई बार गिरने से क्या होता है, जो बैटरी है ना अंदर आपके, वो हिल जाती है अपनी जगह से। वो अगर हिल जाती है तो वो एक अनदर कारण है जिसकी वजह से यू गेट रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बैटरी जब हिलती है कनेक्शन टूटता है, फोन ऑफ हो जाता है, फिर जुड़ता है, आप ऑन करते हैं फिर रिस्टार्ट, तो ये चीज होती है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए, इसको आप बेसिकली सर्विस स्टेशन ले जाना पड़ेगा, वो बैटरी चेक करेंगे। तो इससे आपके पैसे ऐसे बच सकते हैं कि आप थोड़ा नॉलेजेबल, जैसे मैंने आपको नॉलेज दे दी है, तो ऐसे बिल्कुल लेमैन बन के मत जाए वहां पर रिपेयर सेंटर में। तो उनको बोले कि मुझे मालूम है ये मेरे से फोन गिर गया था, आई हैव फुल नॉलेज, और ये बैटरी इसकी हिली है, इसको आप थोड़ा इसमें टेप लगा के थोड़ा इसको फिक्स कर दें, मतलब टेप लगा के थोड़ा मोटाई जब बनेगी तो फिक्स हो जाता है, राइट? तो वो चीज़ें आप अपने आप सजेस्ट करें तो जो रिपेयर करने वाला है उसको थोड़ा पता लग जाता है, ये इस पर्सन को मालूम है, तो फिर ऐसे फालतू के पैसे या और कुछ कह के वो आपको मुद्दू नहीं बनाएगा। तो ये एक कारण है लूज बैटरी का जिसकी वजह से आपका हो सकता है। बाकी लास्ट में आपका कारण आता है सॉफ्टवेयर, अगर आपका करप्ट हो गया, तो इस बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर करप्ट कैसे होता है, या तो कोई वायरस आ गया या कोई आपने ऐप गलत डाउनलोड, ये भी ऐप से रिलेटेड है बेसिकली। तो करप्शन के मामले में जब सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है आपका, मतलब तब उसमें लास्ट सोल्यूशन रहता है रीसेट द डिवाइस या रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, उसमें आपका डाटा लॉस हो सकता है, तो बेटर है उससे पहले ही आप उसको सेव कर लें। ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आपके फोन सेट में नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम ये ओवर स्टार्ट वाली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कर दें, अपना कमेंट लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा तो सिर्फ ये लिख दें बहुत अच्छा वीडियो है। तो कमेंट्स करने से फ्रेंड्स तो वीडियो की सर्कुलेशन बढ़ती है, तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो बस यही कारण है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम है, और इन कारणों की वजह से ये सब टिप्स को फॉलो करते हुए भी आप में ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं
तब डेफिनेटली कोई अदर हार्डवेयर इशू, कोई आईसी वाईसी सब कुछ उसमें सर्किट में प्रॉब्लम है, वो फिर आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो कोई और आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर वीडियो ज़रूर बनेगा। आई मेक वीडियो ऑन डिमांड, जो काफ़ी ज़्यादा बोले जाते हैं, तो उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये बहुत डिमांड में था। अब एक और मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड है, शी वॉज वॉन्टिंग, की बहुत सिंपल डिमांड है, बट आई थिंक जब उन्होंने पूछा तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि वो स्नैपचैट में चाहते हैं कि साउंड उनकी प्रॉपर नहीं आ रही। तो मैंने नोट किया हुआ है, अगर आप देख रही हैं तो डेफिनेटली वो वीडियो भी बनेगा नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, वो ही मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपकी साउंड प्रॉपर आ सकती है गाना चला के जो शुभ सही। तो कोई भी आपकी डिमांड है तो आप लिख सकते हैं। ड्रोनटा डॉक्टर आपका अपना चैनल है, इसमें आपको कोई भी टेक्नोलॉजी से लेके क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो जो मुझे मालूम होता है मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ, अगर मालूम नहीं भी रहता है तो डेफिनेटली रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।